सो हेलो एवरी वन, माई सेल्फ संदीप राजभर। और आज का ये जो हमारा वीडियो, ये है हमारा चैप्टर 5 का रिवीजन वीडियो है। आज हम पूरा का पूरा चैप्टर 5 का रिवीजन देखने वाले हैं, और इस चैप्टर 5 के रिवीजन से आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाने वाला है। बिकॉज इससे पहले हमने टोटल 5 वीडियोज़ डाले हुए हैं इस चैप्टर के, और सारे के सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट कॉलम में मिल जाएगा। जो आपका जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट कॉलम में जाएंगे। वहाँ पे जैसे ही आप चैप्टर 5 या फिर से भी लोडर लिखते हैं, वहाँ पे आपको सबसे पहले, आई थिंक अभी तो सबसे पहले ही दिखेगा वीडियो। उस वीडियो में आप जाएंगे, वहाँ पे 5 वीडियो फिलहाल मिलेंगे, ठीक है। उन पाँचों वीडियो के अंदर ये पूरा का पूरा चैप्टर को कवर किया हुआ है। अब इन पाँचों वीडियो के अंदर, इन पांचों वीडियो के अंदर हर एक पार्ट वाइज पार्ट अलग अलग वीडियो बनाया हुआ है, और आप हर एक पार्ट करके वीडियो को देख सकते हैं। जिससे आपको बेनिफिट क्या होने वाला है कि अगर एक साथ अगर मैं 2.5 घंटे 3 घंटे की वीडियो डालता हूँ, तो फिर आप देखते देखते मतलब कन्फ्यूज जाओगे कि यार इतना देखा और कितना देखना है। ऐसे पार्ट बाई पार्ट में वीडियो रहने पर ना क्या होता है कि एक वीडियो देख लिया, चलो एक वीडियो और देख लेते हैं, चलो एक वीडियो, एक वीडियो करके आप पूरा का पूरा वीडियो देख पाओगे, ठीक है। तो ये एक मतलब थोड़ा सा ईजी पड़ता है कि चलो छोटा छोटा वीडियो देख लेते हैं, और बड़ा बड़ा वीडियो होने के बाद पहले ही मन नहीं करता यार कौन देखेगा 3 घंटे का वीडियो, इसलिए मैंने शॉर्ट शॉर्ट वीडियो डाले हुए हैं, ओके। एंड इस चैप्टर का पूरा 100% कवरेज है, इसमें कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं है जो छोड़ा हुआ है। अब चैप्टर कभी भी इंस्टीट्यूट के मैट के अलावा और कहीं से भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आता है। ये बात आप किसी भी साल का बुक निकालो, किसी भी साल का पेपर निकालो और बुक से मैच कर लो, वो हमेशा एक ही, जहाँ से भी पूछते अपने बुक से पूछते, अपने बुक से एक वर्ड वो बाहर नहीं पूछते, एक शब्द अपने बुक के बाहर का वो एक चीज़ नहीं पूछेंगे, ठीक है। ये बात की गारंटी है। भले आपको डरा जाता है कि ये लोडर है, मतलब आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, उतना डरने का ज़रूरत नहीं है। आपके बुक में जितना कंटेंट दिया है, वह सिर्फ और सिर्फ वही कंटेंट से आएगा। अगर आप 100 चीज़ पढ़ के गए हो और एक इंस्टीट्यूट सिर्फ 10 चीज़ अपने बुक में दिया, तो वो उसी 10 में से पूछेगा। अब उसी 10 में से वो जितना मन करे घुमा के पूछ सकता है। आपका 90 चीज़ पढ़ा हुआ बेकार है, कोई काम का नहीं है। हाँ, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी है, वो आपको काम आएगा आगे जाके, बट एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए सिर्फ वही 10 चीज़ ज़रूरी है जो आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। और बुक का मतलब इंस्टीट्यूट के बुक में दिया हुआ है, आपके और कोई भी बुक में नहीं दिया हो, ठीक है। फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज, जो एक्सपर्ट नॉलेज जिनको लोगों को चाहिए कि नहीं हमको पूरा लोडर जाना है, उनके लिए अलग वीडियो आने वाली है। इस चैप्टर के बाद जो चैप्टर 6 होने वाला है, आई थिंक 5-6 के बाद आई थिंक एक वीडियो अपलोड होगी, जिसके अंदर पूरा का पूरा लोडर, पूरा का पूरा पेट रेगुलेशन, जो सेबी का रेगुलेशन है, उसके हिसाब से हम लोग हर एक रेगुलेशन को पढ़ते हुए चलेंगे, और उसके अंदर क्या है क्या नहीं है वो सब पढ़ते हुए चलेंगे। कुछ चीज़ जो चैप्टर 5 के अंदर इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ इस बुक में नहीं है, मतलब बुक में दिया हुआ है बट बहुत कम दिया हुआ है, लिमिटेड पोर्शन दिया हुआ है, उस चैप्टर को, उस पोर्शन को हम लोग लोडर से भी पढ़ेंगे, ठीक है। लोडर के मैनुअल से जो ओरिजिनल बुक है उससे भी पढ़ेंगे, वो भी इसी प्लेलिस्ट का पार्ट रहेगा, और वो भी इंपॉर्टेंट बोल के इस प्लेलिस्ट में लिखा रहेगा, ओके, ठीक है। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपका जो भी इंट्रोडक्शन था वो सब कुछ मैंने दे दिया है। इस चैप्टर का रिवीजन, अब ये रिवीजन कैसे होने वाला है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है। देखो भाई, रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि हम पूरा का पूरा चैप्टर बोलेंगे और फिर तुमको बोलना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। रिवीजन का मतलब हम उन सभी चीज़ों को हाईलाइट करते हुए चलेंगे जो जो आपको छोड़ना नहीं है, जो जो आपको पढ़ के रखना है। एग्जाम के दिन ये सारे पोर्शन आपके दिमाग से बाहर नहीं होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपको और याद रहता तो अच्छी बात है, लेकिन ये जो अभी मैं टॉपिक हाईलाइट करने वाला हूँ, मेजॉरिटी पोर्शन हाईलाइट करूँगा वैसे, आप उसको नहीं छोड़ सकते। और एक एक बार रिवीजन देते चलूँगा कि ये इसमें क्या क्या चीज़ था, क्या क्या पॉइंट था। बहुत फास्ट रिवीजन होने वाला है, क्योंकि हर एक चैप्टर का एक एक रिवीजन वीडियो होगा, ठीक है। तो अगर एग्ज़ाम के दिन चाहो तो एक वीडियो, मतलब आप 2 घंटे की या फिर 1.5 घंटे की वीडियो फास्ट करके देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब 2 घंटे का वीडियो को मैं ऑलरेडी फास्ट करके 10 मिनट में कर दूंगा। आप एक चैप्टर 10 मिनट में वीडियो से रिवाइज कर सकते हो, एंड इसके बाद एग्ज़ाम हॉल में बैठने से, मतलब एग्ज़ाम में जाते समय अगर लोडर देखना है तो सिर्फ वीडियो प्ले किए 10 मिनट में, या फिर 8 मिनट में, 10 मिनट में, जो भी है, वो पूरा का पूरा पोर्शन आप रिवाइज कर सकते हो। तो ये जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, आप एग्ज़ाम के दिन क्या कर दोगे, स्किप मार दोगे, और सिर्फ रिवीजन वाला पोर्शन को आप देखोगे। क्लियर यहाँ तक? चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। चलिए, इंट्रोडक्शन में कुछ है नहीं वैसा। ये सब पार्ट आपको पढ़ के नहीं जाना, एग्जाम में याद नहीं करना है कि कौन सा शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है, ओके। की डेफिनेशन के अंदर डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी का डेफिनेशन को नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर वो सभी लोग आते हैं जो लोग कभी इक्विटी बन ही नहीं सकते, ना इक्विटी पैदा हुए, ना इक्विटी कभी बन सकते हैं, वो लोग बोलते हैं डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी। ये बहुत क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आता है स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, या तो वो पैदा ही इक्विटी हुए, मतलब इक्विटी बने ही है, या तो वो बाद में इक्विटी बन जाएंगे, दैट इज इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, कोई भी सिक्योरिटी जो कन्वर्ट हो जाएगी इक्विटी में, कॉल स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, ठीक है। ये 2-2 मार्क्स के लिए पूछ देते हैं कि भाई डिजिग्नेटेड सिक्योरिटी का और स्पेसिफाइड सिक्योरिटी क्या है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए ना, क्योंकि ये दो वर्ड इस रेगुलेशन के अंदर बहुत जगह इस्तेमाल किया है कि ये स्पेसिफाइड सिक्योरिटी होने पर ये होगा, डिजिग्नेटेड सिक्योरिटी होने पर ये होगा। तो ये वर्ड इसीलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये वर्ड का मतलब ही नहीं पता होगा तो आप वो रेगुलेशन किसके ऊपर एप्लीकेबल है ये आप नहीं जान पाओगे, ठीक है। तो ये स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, डिजिग्नेटेड सिक्योरिटी क्लियर है।
नेक्स्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्राइटेरिया सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट वाला क्राइटेरिया है. हु इज और वॉज नॉट अ प्रमोटर, जो कभी प्रमोटर था ही नहीं. हु इज ना ही अभी प्रमोटर है ना ही कभी प्रमोटर था. अगर कभी भी जिंदगी में प्रमोटर बन गया ना, हो गया ना, तो वो कभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता उस कंपनी का, पहला बात. ठीक है सर. दूसरा बात, हु इज नॉट रिलेटेड टू द प्रमोटर, आप प्रमोटर के साथ रिलेटेड नहीं हो. और सिर्फ आपके साथ नहीं बोला गया, ओन कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, इसको हम लोग बोलते हैं ओशा. हु इज और वॉज नॉट अ प्रमोटर ऑफ ओशा, ना ही आप प्रमोटर कभी नहीं रहे हो, ओशा के प्रमोटर नहीं थे सर. ठीक है, आप प्रमोटर से रिलेटेड नहीं थे, किसके, ओशा के रिलेटेड नहीं थे, ओन कंपनी. ओके, सिर्फ और सिर्फ आप रेमुनरेशन लेते हैं, रेमुनरेशन के अलावा आपका बिजनेस का कोई रिलेशन नहीं है, बिजनेस का कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, ना ही कंपनी के साथ, ना ही उस कंपनी के प्रमोटर के साथ, ना ही उस कंपनी के डायरेक्टर के साथ. कितना साल भाई, लास्ट 2 सालों के अंदर. याद आ रहा है आपको ये बात? ठीक है, ये पार्ट हमारे आई थिंक मेन वाले भी चैप्टर के अंदर कवर नहीं था, इसलिए यहाँ पे बता दे रहा हूँ. नन ऑफ, ना ही मेरे रिलेटिव का कोई प्रिकॉशनरी ट्रांजेक्शन होना चाहिए. ठीक है, ना ही कंपनी के साथ, ना ही उसके डायरेक्टर के साथ. कितने रुपए तक का, 50 लाख तक का एक्सेप्शन है, 50 लाख रुपीज से कम का. मेरा जब बात था, जब मेरा खुद का बात था, तो मेरा एकदम ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए 2 सालों में, लेकिन मेरे रिलेटिव का बात है तो अब रिलेटिव 50 लाख तक कर सकते हैं, उनको माफ़ी है. ठीक है, हु नाइदर हिमसेल्फ नॉर इज रिलेटिव, ना ही वो खुद ना ही उनके रिलेटिव कोई भी KMP का पोस्ट, कोई भी भाई सीनियर पोस्ट होल्ड करके बैठे उस कंपनी के अंदर. ठीक है, और कितने सालों के अंदर, 3 फाइनेंशियल 3 साल के अंदर, लास्ट 3 ईयर तक. ठीक है, इज और हैज़ बीन एन एम्प्लॉई और अ प्रोप्राइटरशिप फॉर्म इन दिस फाइनेंशियल, इस वो ऑडिट फॉर्म में नहीं थे, ना ही आप लीगल कंसल्टेंसी किसी ऐसे फॉर्म में थे जो उसी कंपनी को लीगल कंसल्टेंसी दे रहा था, या फिर उसी कंपनी का ऑडिटर फॉर्म था और वो अभी और डायरेक्टर आके बनना चाहता है. तो ऐसे भी लोग नहीं हो सकते अगर लास्ट 3 साल में आप आए हुए हैं. या तो आप अगर कंपनी में 2% वोटिंग पावर होल्ड करके रखते हुए, तो ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अगर आप एन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के हैं और आप रिसीव करते 25% से ज़्यादा रिसिप्ट आपको यहीं से मिलते हैं, तो भाई आप भी नहीं बन सकते. ठीक है, ज़्यादातर सप्लाई आपको हम ही लोग दे रहे हैं. अब 21 साल से कम है तो वो तो कभी अलाउड नहीं होता है. ठीक है, हु इज़ नॉट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अब जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ही नहीं. ठीक है, ऑफ अनदर कंपनी ऑन अ बोर्ड फॉर विच नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इलस्ट्रेटेड एंट्री ऑफ डायरेक्टर. ओके, तो हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्राइटेरिया, जो कि मेरे को इतना डिटेल में नहीं बताना था, फिर भी मैंने एक बार बता दिया, क्योंकि ये भूल जाने वाला पॉइंट है, बार बार आप भूल जाते हो, तो रिवीजन वीडियो में ये होना चाहिए ताकि एक बार याद आ जाए कि हाँ प्रमोटर कभी, अभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, प्रमोटर कभी नहीं. ओके, रिलेटिव हाँ हाँ हो सकता है, रिलेटिव का चाप नहीं, इस साल रिलेटिव नहीं होना चाहिए, पहले हो तो कोई दिक्कत नहीं है. इस साल हु इज़ नॉट रिलेट, क्योंकि यहाँ पे इज़ बोला गया है, तो इस मतलब सिर्फ इस साल, इज़ और वॉज दोनों वर्ड बोला गया, ना ही अभी ना कभी, कभी अभी अभी कभी कभी नहीं. ठीक है, यहाँ पे क्या है, हु इज और वॉज, यहाँ सॉरी यहाँ पे ही इज और वॉज है, यहाँ पे हु इज नॉट रिलेटेड, जो रिलेटेड नहीं, इस साल रिलेटेड नहीं है उषा के साथ. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रेमुनरेशन लेता है भैया, रेमुनरेशन के अलावा कुछ नहीं लेता है लास्ट 2 सालों में, लेकिन उसका रिलेटिव 50 लाख तक का ट्रांजेक्शन कर सकता है. ठीक है, आइदर हिमसेल्फ, ना ही वो खुद, ना ही उसका रिलेटिव, कब से भैया, 3 साल से, 3 फाइनेंशियल से, 3 साल से उस कंपनी में KMP का पोस्ट या फिर किसी भी तरीके का पोस्ट एम्प्लॉयमेंट नहीं लिया हो. नेक्स्ट, वो किसी भी ऑडिट फर्म का हिस्सा ना हो, ना ही किसी लीगल कंसल्टेंसी फर्म का हिस्सा हो, जिसका 10% टर्नओवर भैया हमारे ही घर से चलता था, ऐसे लोगों का हिस्सा नहीं होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट, रिलेटिव और के साथ मेरा, हम अपने रिलेटिव के साथ अगर 2% होल्ड कर लेते उस लिस्टेड कंपनी में, तो भैया हम हो गए इनएलिजिबल, फिर हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं. नेक्स्ट, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर, जो भी बोलो, एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का हो, लेकिन अगर बोलो 25% ज़्यादा रिसिप्ट हमारे यहाँ से पाता है, तो मतलब या फिर हमारे लोगों से पाता है, तो भैया फिर क्या मतलब बनता है, फिर तो आप रिलेटिव ही हो जाओगे, है ना. मटेरियल सप्लाई आपको हमसे मिलता है, 18 साल से छोटे हो आप, 21 से छोटे हो आप, या फिर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के काबिल ही नहीं है. चलो, एप्लीकेबिलिटी से ऊपर डायरेक्ट 4 मार्क्स से क्वेश्चन दे सकते हैं, वो 4 मार्क्स के लिए वो डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि ये जो LODR है किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल है, तो इन सभी लोगों के ऊपर एप्लीकेबल आप बोल सकते हो. अब इन सभी लोग, इन सभी चीज़ों का नाम कैसे याद रहेगा, इसका नाम सबसे इंपॉर्टेंट है. सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, क्योंकि इसका SME का स्पेसिफाइड सिक्योरिटी है. कौन सी है, SME का स्पेसिफाइड सिक्योरिटी है. नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर हो गया, नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, फिर प्रीपेचुअल डेप्ट हो गया. इंडियन, अब जितना आप सिक्योरिटी का नाम पढ़ो ना सब लिख सकते हो. देखो, इंडियन डिपॉजिट रिसीप्ट है, सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट, सिक्योरिटी रिसीट हो गया, या फिर कोई म्यूचुअल फंड का हो गया, या फिर कोई भी जो सेवी प्रोवाइड कर दे, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट आपको लिख के आ जाना है. ठीक है, और 4 मार्क्स आपका.
नेक्स्ट ऑब्लिगेशन, यहाँ पे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो डायरेक्ट पूछ सकते हैं व्हाट इज द कॉमन ऑब्लिगेशन फॉर लिस्टेड एंटिटी, या फिर वैसे पूछ सकते हैं एक कंपनी है इस तारीख को लिस्ट हो रही है स्टॉक एक्सचेंज पे, अब उसका डायरेक्टर जो अब आपसे पूछना चाहता है कि भाई हम लिस्ट हुए तो हमारे ऊपर क्या क्या ऑब्लिगेशन आएंगे, या फिर कंपनी लिस्ट होना चाहती है और उसके डायरेक्टर आपसे पूछना चाहते हैं कि भाई अगर हम लिस्ट होते तो क्या क्या ऑब्लिगेशन का हमको पालन करना पड़ेगा, क्या क्या हमको काम करना पड़ेगा, ओके ये आपसे डायरेक्ट वो पूछ सकते हैं। तो अब ये जब भी जो भी पूछ रहे हैं तो आपको क्या बताना है इसमें कॉमन ऑब्लिगेशन, व्हाट इज द कॉमन ऑब्लिगेशन। सबसे पहला कॉमन ऑब्लिगेशन, एक कंप्लायंस ऑफिसर लेके आ जाओ, शेयर ट्रांसफर एजेंट को पकड़ के ले आओ, ठीक है, आप कॉपरेट करो इंटरमीडिएटरी के साथ, ओके, डॉक्यूमेंट को आप प्रिजर्व करना का एकदम मतलब डॉक्यूमेंट के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, डॉक्यूमेंट आपको प्रिजर्व करना होगा, सारा इन्फॉर्मेशन आप इलेक्ट्रॉनिक वे में फाइल करो, ठीक है, ग्रीवेंसेस रेडरेसल मैकेनिज्म लेके आओ, लोगों की प्रॉब्लम को सुनो भाई, और स्टॉक एक्सचेंज को फीस देते रहो। तो ये 5-6 पॉइंट आपको आराम से दिमाग में रह सकते हैं कि हाँ ऐसे 5-6 पॉइंट थे, एंड इट इज़ मोर देन सफिशियंट, आपको आराम से यहाँ पे 4 में 4, 5 में 5 जो भी जितने भी मार्क्स आने वाले हैं यहाँ से वो डायरेक्ट क्वेश्चन 5 या 4 मार्क्स का पूछ सकते हैं, ओके। नेक्स्ट कंप्लायंस, अब ये कंप्लायंस जो भी है ना इस कंप्लायंस के ऊपर सेपरेट मार्क्स दिया हुआ है, इवेंट वाइज कंप्लायंस में कभी वो ये नहीं बोलने वाला है कि आप पूरा का पूरा इवेंट वाइज कंप्लायंस बोल दो, वो यहाँ से कोई एक टॉपिक उठा के बोल देंगे कि व्हाट इज दिस, इसको बताओ थोड़ा सा हमको, अभी हम बता देंगे उसको। वैसे वन टाइम कंप्लायंस, यहाँ से वो 5 मार्क्स का डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि कंपनी लिस्ट हो रही है तो उसका वन टाइम कंप्लायंस क्या है, क्वार्टरली कंप्लायंस से 5 मार्क्स का डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि ये वाला कंप्लायंस क्या है, हाफ ईयरली कंप्लायंस से पूछा जा सकता है कि ये वाले कंप्लायंस क्या है, 3 मार्क्स के लिए या फिर 4 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं वो, ओके, एंड ईयरली कंप्लायंस 2 मार्क्स के लिए आ सकता है कि भैया आपका ईयरली कंप्लायंस क्या क्या है, ओके, एक छोटा सा पोर्शन में आ सकता है इन सब के, यहां से तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। अब इन सब के अलावा जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है वो देखो, अब वन टाइम कंप्लायंस आपको नहीं बता रहा हूँ वन टाइम कंप्लायंस क्या था क्या क्या है, ओके, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं सीएस को अपॉइंट करना है, शेयर ट्रांसफर एजेंट को लेके आना है, डॉक्यूमेंट प्रिजर्व करने का बाद 3 बात है, वन टाइम कंप्लायंस काम खत्म, क्वार्टरली कंप्लायंस, इन्वेस्टर कंप्लायंस, ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म आपका, क्वार्टरली रिपोर्ट, ओके, शेयर होल्डिंग पैटर्न, शेयर होल्डिंग डेविएशन वेरिएशन, जो भी अगर आप 2% वेरिएशन कर रहे हैं आप तो वो भी आपको बताना पड़ता है, याद आ रहा है कुछ, फाइनेंशियल रिजल्ट आपसे यहाँ पे ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द क्वार्टरली कंप्लायंस बता दीजिए, तो क्वार्टरली कंप्लायंस में आप ये भी बता सकते हो या फिर हमारा जो बनाया हुआ है वेट एकदम लास्ट आप ये वाला भी यूज करके लिख सकते हो वहाँ पे स्टेटमेंट ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मार्जिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डेविएशन वेरिएशन फाइनेंशियल रिजल्ट क्वार्टरली और ये टाइम पीरियड ये इस अगर क्वार्टरली पूछते हैं ना तो आपको ये वाला तो पहले लिखना ही होगा सबसे इंपॉर्टेंट है ये तो लिखना ही होगा इसके साथ साथ ये क्वार्टरली है कि हाफ ईयरली है ये तो बता देंगे आप ठीक है डेट आप कभी नहीं छोड़ सकते हो डेट आपको बताना पड़ेगा ये आप नहीं लिखो तो चलेगा लेकिन आपको डेट नहीं छोड़ना है ये बात का ध्यान रखना है ओके हाफ ईयरली कंप्लायंस में देख लो कंप्लायंस क्या क्या है दो ही कंप्लायंस थे कंप्लायंस स्टॉक एक्सचेंज को बताएंगे कंप्लायंस सर्टिफिकेट देंगे और शेयर ट्रांसफर का जो वगैरह वो सब डिटेल है वो देंगे इसके अलावा और एक दो पॉइंट है जो हम लोग ऊपर से पढ़ेंगे एनुअल कंप्लायंस में लिस्टिंग फी देंगे फिनेंशियल रिजल्ट देंगे और हम लोग एनुअल रिपोर्ट बताएंगे बस यही कंप्लायंस है इसके बाद आता है हमारा इवेंट वाइज कंप्लायंस पूरा का पूरा सेपरेट लिस्ट बनाया हुआ है ओके वापस चलते हैं अपने 10 नंबर पेज पे ओके सो ये सारा वीडियो जो है हमारा सेकंड वीडियो के अंदर अगर आपको डाउट हो रहा है कुछ याद है या नहीं तो वो ऐसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं इस चैप्टर के अंदर लाइक इन्वेस्टर कंप्लायंस के रिलेटेड इन्वेस्टर कंप्लेंस रिलेटेड सेबी लोडर में कैसे आप रिपोर्टिंग करेंगे रिपोर्टिंग से डायरेक्ट पूछ सकते हैं 2 मार्क्स के लिए कि रिपोर्टिंग बताइए इन्वेस्टर कंप्लायंस रिलेटेड तो आपको यही वाला पोर्शन को पूरा का पूरा छाप देना है कि भैया इतने दिन के अंदर हम लोग को बताना पड़ता है क्वार्टरली कंप्लायंसेस के अंदर कि हम लोग का कितना कंप्लेन आ चुका है कितना कंप्लेन सॉल्व हो गया कितना कंप्लेन नहीं सॉल्व हुआ और उसका रीज़न क्या है ये सब बताना पड़ता है शेयर होल्डिंग पैटर्न रिलेटेड डायरेक्ट पूछ सकते हैं भैया ये शेयर होल्डिंग पैटर्न रिलेटेड आप कंप्लायंस जो क्वार्टरली कंप्लायंस उसमें क्या क्या करना होता है तो शेयर होल्डिंग क्वार्टरली इसका आपको डायरेक्ट पूरा का पूरा पोर्शन लिखना होगा ठीक है स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन एंड वेरिएशन इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ना ये पॉइंट थोड़ा सा टेक्निकल होता है लोगों को ये समझ नहीं आता कि इसमें लिखे क्या डेविएशन वेरिएशन वर्ड आ गया है तो जो भी चेंजेस हो रहे हैं आपके 2% से ऊपर नीचे अगर कुछ भी उठ रहा है नीचे जा रहा है ये सब चीज़ को बारे में आपको यहाँ पे बताना पड़ता है पूरा का पूरा इस वीडियो के अंदर मतलब जो हमारा मेन वीडियो है वहाँ पे अपलोडेड है वहाँ पे देख सकते हो आप पूरा का पूरा फिर से एक्सप्लेन करूँगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा फिनेंशियल रिजल्ट से रिलेटेड वो पूछ सकते हैं कि भैया फिनेंशियल रिजल्ट के बारे में बताओ फिनेंशियल रिजल्ट का क्वार्टरली कंप्लायंस कैसे करना है डायरेक्ट एक एक पोर्शन से रिलेटेड वो क्वेश्चन उठा के पूछ सकते हैं आपके सामने ओके हाफ ईयरली कंप्लायंस में या तो वो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि भाई हाफ ईयरली कंप्लायंस बता दो या तो वो बोल सकते हैं कि कंप्लायंस सर्टिफिकेट के बारे में बताओ रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर के बारे में बता दो एक एक पोर्शन के बारे में पूछ सकते हैं ठीक है
ईयरली कंप्लायंस में क्या क्या थे भाई, हम एनुअल लिस्टिंग फी देंगे, फिनंशियल रिजल्ट के बारे में बता देंगे, एंड हम लोग एनुअल रिपोर्ट देंगे, ओके। नेक्स्ट आ रहा चेंजिंग रिपोर्ट, और ये उतना खास काम का नहीं है, बट आप चाहो तो लिख सकते हो 5 मार्क्स के लिए। एनुअल लिस्टिंग फी, अब एनुअल लिस्टिंग फी से डायरेक्ट नहीं पूछने वाले कि एनुअल लिस्टिंग फी क्या है, ये पूछ सकते हैं फिनंशियल रिजल्ट पूछ सकते हैं आपसे। फिनंशियल रिजल्ट के बारे में पूरा बोल देंगे कि फिनंशियल रिजल्ट के बारे में आप बताइए, कैसे हम लोग कंप्लायंस करेंगे। तो फिनंशियल रिजल्ट के बारे में आपको ये पूरा का पूरा पोर्शन जितना हो सके उतना इजी वे में लिखना है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप टेक्निकल वर्ड में लिखो, आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ओके। एनुअल रिपोर्ट से रिलेटेड, एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या डॉक्यूमेंट जाता है वो तो नाम लिख ही सकते हो आप। टॉप 500 कंपनियों के लिए बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट भी देना जरूरी है, ओके। ये सब कुछ हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था, और यहाँ पे भी मैं एक बार छोटा छोटा करके बताते जा रहा हूँ आपको, ताकि जिसने कभी भी ये वीडियो नहीं देखा है उसको भी ये रिवीजन का फ़ायदा हो जाए, ठीक है। वैसे तो डिटेल क्लास में बहुत लंबा हम लोग क्लास किए थे, बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ को पढ़ के डिस्कस किए थे। नेक्स्ट इवेंट बेस्ड कंप्लायंस, ये हमारा अब यहाँ से हमारा पार्ट थ्री जो थर्ड नंबर वीडियो है उसमें ये सारा पोर्शन आएगा। अब इसमें क्या था, शेयर ट्रांसफर एजेंट को जब भी हम लोग चेंज करेंगे तो बताएंगे, कभी भी इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेंगे तो बताएंगे। अब ये इंटीमेशन से रिलेटेड 3 पॉइंट्स, अब ये इंटीमेशन से रिलेटेड तीनों पॉइंट पर पूछ सकते हैं कि भैया ऐसे कौन से दिन है जिसमें हमको 5 दिन पहले इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, ऐसा कौन सा चीज़ है जिसमें 2 दिन पहले इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, ऐसा कौन सा चीज़ है जिसमें 11 दिन पहले इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, ऐसे पूछ सकते हैं। वो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि भैया हम लोग ये वॉलंटरी डिलिस्टिंग का बात करें, हमको कितने दिन पहले इन्फॉर्म करना है, इंटीमेट करना होगा, आपको ये पता होना चाहिए तब, ओके। तो जब भी फिनंशियल रिजल्ट के बारे में बात आएगा, फिनंशियल रिजल्ट के बारे में जब भी बात आएगा, आप क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, कभी भी हो, वो आप 5 दिन पहले बताओगे, ठीक है। और अगर आप कोई भी चेंजेस लेके आ रहे हो, ठीक है, ऑल्ट्रेशन कभी भी करने वाले हो, तो 11 दिन पहले बताओगे। बाकी सारा मैटर हम लोग 2 दिन वाला पढ़े हुए हैं, ठीक है, ऐसे याद किया हुआ है। इधर का 5 दिन वाला याद हुआ है, इधर का 2 दिन वाला याद रहेगा, क्योंकि कोई भी चेंजेस लेके आ रहे हो तो। और बाकी का जो भी सारा जितना हाई फाई टॉपिक है, सारा चैप्टर, सारा टॉपिक हमारा 2 दिन वाला टॉपिक है, ओके। ADR, GDR, ओके, राइट इशू, इक्विटी इशू, जो भी आप कर ले लाना चाहते हो, ओके। डिस्क्लोजर ऑफ इवेंट, कोई भी इवेंट हो रहा है तो उसको डिस्क्लोजर करोगे, शेड्यूल 3 वाला, दैट इज हम लोग को 24 आवर। प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होता है, एक आता है अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, को कैसे डिस्क्लोज करते हैं, तो 30 मिनट पहले डिस्क्लोज करते हैं, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, उपसी बोलते हैं उसको, अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन 30 मिनट पहले डिस्क्लोज करना पड़ता है बोर्ड मीटिंग से 30 मिनट पहले, ओके। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, शेड्यूल 3 में आपका लिखा हुआ है ना, कितना कौन कौन से सेंसिटिव टॉपिक्स है उसके बारे में बताया हुआ है, ओके। नेक्स्ट आपका शेयरहोल्डिंग पैटर्न्स रिलेटेड, यहाँ से भी पूछ सकते हैं कि ईयरली कंप्लायंस क्या करना होगा, शेयरहोल्डिंग पैटर्न से जब भी 2% ऊपर नीचे हो रहा है तो आपको बताना पड़ता है, ओके। अब ये 2% इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ऐसे 2% का कोई कीमत नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2% वर्ड ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसी 2% के ऊपर आपको मार्क्स मिलेगा, टोटल पेड अप कैपिटल, टोटल पेड अप शेयर कैपिटल, इसी वर्ड पे आपको यहाँ पे मार्क्स मिल जाएगा, ओके। मटेरियल इवेंट का डिस्क्लोज कब करना है, 24 घंटे पहले, और क्या है, तो ये आ सकता है रजिस्टर द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी। अब जो सिक्योरिटी ट्रांसफर है उसको कितने दिन पहले रजिस्टर करना है, अब यहाँ से वो केस स्टडी टाइप पूछ सकते हैं कि एक कंपनी है जो डीमैट फॉर्म में था, उसको वो 15 दिन के बाद लिस्ट अपना ट्रांसफर सक्सेस किया, क्या वो एक्सेप्टेबल है, क्या वो सही है कि नहीं, तो यहाँ पे बताना पड़ेगा कि देखो भैया रेगुलेशन 47(3) के अंदर बोला गया है कि ये चीज़ जो भी आपका डीमैट फॉर्म है ना, तो 7 दिन के अंदर आपको कन्वर्ट कर देना, तो अगर फिजिकल मोड में था तो 21 डेज के अंदर आपको कन्वर्ट करना होगा। रिकॉर्ड डेट एंड बुक क्लोजर को आप कभी नहीं छोड़ सकते हो, रिकॉर्ड डेट एंड बुक क्लोजर वो डेट होता है जिस दिन आप बुक बंद कर देते हो, कुछ डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से शेयर होल्डर है, कौन एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आप बुक क्लोज कर देते हो, और ये आप कितना दिन के लिए कर सकते हो, मैक्सिमम 45 डेज, और एक बार में 30 दिन के लिए कर सकते हो, ठीक है। इन केस ऑफ राइट इशू एटलीस्ट थ्री वर्किंग डे इन एडवांस आपको बताना, इन्फॉर्मेशन कैसे करना होगा, बताना कैसे कोई स्टॉक एक्सचेंज को, अगर राइट इशू लेके आ रहे हो तो 3 दिन पहले बता देना होगा राइट इशू के लिए, और कोई भी इशू ला रहे हो तो 7 दिन पहले बता दो, ओके, कि अब हम बुक क्लोज करेंगे, ये चीज़ के बारे में। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी पूछ सकते हैं कि भाई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है क्या, तो बताना होगा कि हमारी हर कंपनी को बताना पड़ता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, बताना पड़ता है अपने वेबसाइट पे भी डालना पड़ता है, ओके, कि हमारी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी हम इस मेथड से पेमेंट करते हैं, इतने दिन के अंदर पेमेंट करते हैं, ये लोग रिस्पॉन्सिबल है, सारा डिटेल हम लोग देते हैं यहाँ पे।
मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट, मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये आपका फाइनल में आ चुका है तो यहाँ भी देने के काफ़ी चांसेस बन सकते हैं। वेबसाइट के अंदर कौन मेंटेन करता है सबसे पहले बता देंगे, दूसरा बताएंगे कि क्या क्या उसमें कंटेंट होता है, जितनी पॉलिसीज होती हैं, जो भी कोड ऑफ कंडक्ट हो गया आपका, और कौन कौन सी कमिटी है इसमें, आपका विजिल मैकेनिज्म के बारे में भी बता होना होना चाहिए, ठीक है। फिनेंशियल रिजल्ट, एनुअल रिपोर्ट जो होता है वो सब भी आपको पुट करना होगा, ठीक है। इसके अलावा कंपनी का मेन ऑक्यूपेशन, कंपनी का मेन क्या है, कंपनी के जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो कौन कौन लोग हैं, ठीक है। ये सारा चीज़ के बारे में आपको कहाँ बताना होगा, वेबसाइट के ऊपर डेटा डाल के रखना होगा। अब इसके बाद जो वीडियो है वो हमारा पार्ट फोर के अंदर आता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस अब इसके अंदर हमने हर एक पॉइंट को डिस्कस किया है, इस वीडियो में थोड़ा सा फास्ट रहूँगा क्योंकि संभव नहीं है उतना एक्सप्लेन करना। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक एक्सेप्शन था कि कौन कौन लोग को कॉर्पोरेट गवर्नेंस दैट इज रेगुलेशन। अब यहाँ पे दो टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, एक बोल सकते हैं कि रेगुलेशन 70-27 किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ये बोल सकते हैं, या फिर वो ऐसे बोल सकते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए एक्सेप्शन कौन कौन से, डायरेक्ट बोल सकते हैं। अब अगर रेगुलेशन शब्द का इस्तेमाल करें तो आपको रेगुलेशन 1727 याद होना चाहिए, ठीक है, जिसका भी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और नेटवर्थ 25 करोड़ का ऐसा कुछ लिमिट याद कर रहे थे हम लोग, याद आ रहा है। ऐसे है छोटे वाले लोग एकदम बहुत छोटे इंसान है, क्या दिक्कत है, तब तो कोई बात नहीं। या फिर अगर IBC में जा रहे हो आप, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में हो, तो भी कोई बात नहीं भाई, आप IBC वालों को तो हमेशा एक्सेप्शन मिल जाता है, ठीक है। की प्रोविज़न प्रिपेयरिंग फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अब की प्रोविज़न क्या है, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, बोर्ड का कंपोजिशन कैसा होना चाहिए, हमने देखा था एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव लेके बहुत ज़्यादा माथापच्ची किया था कि एग्जीक्यूटिव होने पर कितना ज़्यादा प्रेशर बनता है, एग्जीक्यूटिव होने पर हमेशा 50 कर दो, पूरा हाफ हाफ इंडिपेंडेंट और ये लोग कर दो, 50-50 कर दो, नॉन एग्जीक्यूटिव होने पर 1/3 कर दो, कम लोग रहेंगे तो चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट मीटिंग ऑफ बोर्ड, बोर्ड मीटिंग पूरा सेक्शन 173 है, कोरम पूरा का पूरा हमारा नॉर्मल वाला कोरम था 174 वाला, लेकिन एक छोटा सा चीज़ यहाँ पे बढ़ जाता है, यहाँ पे जो ना एक एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर करना अब मैंडेटरी हो गया टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटी के लिए, तो वो केस स्टडी के रूप में घुमा के भी बोल सकते हैं कि भैया एक कंपनी है, वो कंपनी जो है ना टॉप 10 कंपनी है ऑफ लिस्टेड, मतलब मार्केट के हिसाब से, एंड उसका कोरम के अंदर ना वो पूरा डिटेल देंगे, कोरम में ना 10 टोटल 10 डायरेक्टर थे जिसमें 7 लोग आए हुए थे, ठीक है, बट उसका स्टिल अभी जो एक ऑडिटर है वो बोल रहा है कि नहीं इट इज़ अ कोरम एक्सेप्टेबल नहीं है, कोरम गलत है, एज अ सेक्रेटरी आप बता दो कि क्या है कोरम सही है या गलत है, तो आपको बताना होगा कि भैया आप टॉप कंपनी में होना, तो सेबी लोडर बोलता है कि आपके पास एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी होना चाहिए तभी कोरम सक्सेसफुल माना जाएगा, अदरवाइज कोरम इज नॉट वैलिड। हाँ भले आप कंपनीज एक्ट सेक्शन 174 का कंप्लायंस कर रहे हो, बट स्टिल सेबी का रिक्वायरमेंट थोड़ा स्ट्रांग है ना, तो स्ट्रांग वाला कंप्लायंस आपको करना होगा। ओके सर, चलिए बात समझ गए आपका, एकदम एक एक शब्द समझ गए। अब ये वाला पोर्शन आप एक बार देख लेना कि कंप्लायंस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार देख सकते हो कि कंप्लायंस की मैम मेन क्या कंप्लायंस है, कि आपका सारा कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं, आप कोड ऑफ कंडक्ट का पालन कर रहे हो कि नहीं, आप फीस वगैरह दे रहे हो कि नहीं, आप जो सब कुछ कोऑर्डिनेट कर रहे हो कि नहीं, यही सब चीज़ें हैं, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप के बारे में बोला गया था, अब 7 हो गया है, और अगर कंपनी में जा रहे हो तो 8 हो गया, मतलब एक जगह पे अगर आप सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हो तो 7 जगह इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो, पहले ये लिमिट 8 था। अगर आप एक जगह होल टाइम डायरेक्टर, MD, मैनेजर ऐसा कुछ बन जा रहे हो, तो आप फिर आप 3 जगह ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सर्विस दे सकते हो, ओके। और अब गंदा सा दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हम अगर 2 जगह मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाए तो आपको 2 जगह मैनेजिंग डायरेक्टर बनाएगा कौन, पहला तो अलाउ होना चाहिए, और अलाउ करने के लिए हम लोग को UBR वगैरह पास करना पड़ता है, फिर आप ये भी नहीं बन पाओगे, ठीक है। अब बोर्ड कमेटी, कुछ कमेटियों के बारे में हम डिस्कस किए थे कि ये सारी कमेटियाँ मैंडेटरी हो जाती हैं, क्या क्या कमेटी भाई, ऑडिट कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, नॉमिनेशन NRC कमेटी और स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। ये सारी कमेटियाँ किसको बनाने के लिए एग्जम्पशन है, एक आता है जिन जो भी लिस्टेड कंपनियों का 10 करोड़ से कम पेड अप शेयर कैपिटल है, या फिर उनका नेटवर्थ जो है 25 करोड़ से कम है, ओके। और अगर SME वाले हैं तो, या फिर और एक पॉइंट बोल सकते हो आप, जिनका IBC के अंदर रेजोल्यूशन प्लान बना हुआ है उसके हिसाब से अगर अप्रूवल हुआ है तो भी उनको एग्जम्पशन मिल जाता है। अब कमेटी के अंदर हम लोग ये कमेटी पढ़ते हैं। अब कमेटी का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग पॉइंट क्या था भाई, यहाँ पे कमेटी के अंदर हम लोग का जो कंपोजिशन था ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग था। देखो ऑडिट कमेटी को साल में एकदम 173 एप्लीकेबल होता है, ठीक है। NRC कमेटी को साल में एक बार मिलना है, स्टेक होल्डर कमेटी को साल में एक बार मिलना है, इनको भी साल में एक बार मिलना है, लास्ट वाला में जाओ, एटलीस्ट वंस साल में एक बार मिलना है, और इनको 4 बार मिलना होता है, 120 दिन का गैप, ओके। तो ये पूरा का पूरा सेक्शन 173 वाला ही कंपोजिशन यहाँ पे आता है, लेकिन इन लोगों का कंपोजिशन थोड़ा चेंजेस, तो सिर्फ एक एक बार मिलना से काम हो जाता है, ठीक है। इन लोगों में सब में देखो, यहाँ पे भी 3 डायरेक्टर होने चाहिए, यहाँ पे भी 3 होने चाहिए, ठीक है, यहाँ पे भी 3 होने चाहिए,
अरे ऐसे यहाँ पे ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं स्पेसिफिक नहीं किया है। अब यहाँ पे तीन में क्या बोला गया था, यहाँ पे तीन में बोला है भाई कि ये जो तीन डायरेक्टर है इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 2/3 होने चाहिए, और अगर कंपनी के पास सुपीरियर वोटिंग राइट वाले शेयर्स हैं तो सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लेके आओ भैया, ऑल मेंबर शुड बी इंडिपेंडेंट। ओके, इस वाले में क्या था, रेमुनरेशन कमेटी एनआरसी कमेटी के अंदर तीन डायरेक्टर तो होने चाहिए, बट वो तीनों कौन होने चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए, और एटलीस्ट 50% ऑफ डायरेक्टर जो है उसमें से इंडिपेंडेंट। इसको बताते समय हम ये भी बताए थे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दोनों अलग अलग हो सकते हैं। ओके, एक ऐसा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता, पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है वो वीडियो में हमने बताया था। अगर वो 149 सबसेक्शन 6 का क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करता है तो भी वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता, सिंपल सी बात है। अगर सुपीरियर वोटिंग पावर वाले बात हैं तो सारे के सारे लोग को इंडिपेंडेंट पकड़ के लेके आ जाओ। इसके बाद है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। स्टेक होल्डर कमेटी के अंदर क्या है भाई, तीन डायरेक्टर तो कम से कम आपके पास होने ही चाहिए, और एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आपको पकड़ के लाना है। लेकिन अगर सुपीरियर वोटिंग राइट वाले आपके पास शेयर है तो फिर आपको क्या करना होगा, कमेटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ आईडी होने चाहिए। और रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के अंदर बोल देगी कि भाई देखो ये कंपनी के अंदर वाली बात है, तो यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ मेंबर कंपनी के ही लोग होंगे, कोई दिक्कत नहीं, कंपनी का ही मेंबर होंगे। अगर कंपनी के पास सुपीरियर वोटिंग राइट वाले लोग हैं तो फिर इसके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी होने चाहिए, और ऐसा कुछ खास स्पेसिफिकेशन कुछ खास मांगा नहीं है। चेयरमैन किसका कौन होगा, इसका चेयरमैन तो ऑलवेज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा ऑडिट कमेटी का। एनआरसी कमेटी का ऑलवेज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, शैल बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रोवाइडेड दैट चेयरमैन ऑफ अ लिस्टेड कंपनी विद अ नॉन एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव अपॉइंटेड बाय द मेंबर ऑफ --। ओके, नेक्स्ट, इसका नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए, इसका कोई भी हो सकता है, इसका कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे तो कोई। ठीक है, ये हमारा पॉइंट था कोरम के बारे में। कोरम यहाँ पे 174 एप्लीकेबल हो जाता है कोरम, ठीक है, नॉर्मल सा कोरम एकदम, टू डायरेक्टर और जिसमें से एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। 174 नहीं बोलना चाहिए, रुको, कोरम में क्या है, यहाँ पे कोरम ऑफ द कमेटी शैल बी 2 मेंबर और 1/3 एकदम जो नॉर्मल हम लोग पढ़े हुए थे, विच एवर इज ग्रेटर विथ एटलीस्ट 2 ID, कम से कम 2 ID होने चाहिए। तो इसका कोरम थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है, जो हमारा नॉर्मल 174 है उसमें भी यही पॉइंट बोला गया है, लेकिन कोरम का ये वाला क्राइटेरिया जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो ये वाला क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए कि दो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए होंगे ऑडिट कमेटी के अंदर, वरना काम नहीं चलेगा। चलिए, रोल ऑफ कमेटी। अब रोल क्या था, रोल हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हुए थे उस मेन वीडियो के अंदर भी। विजिल मैकेनिज्म में क्या होता है, ये एक मेथड होता है ताकि विक्टिमाइजेशन ना हो सके जो पर्सन इस मेथड को इस्तेमाल कर रहा है। पार्ट 5 के अंदर हम लोग आगे रिलेटेड पार्टी ट्रांजिशन के ऊपर पार्ट 5 5 और लास्ट वीडियो। अब यहाँ से लास्ट वीडियो के अंदर हमारा सारा है 40 मिनट का, आई थिंक ये वीडियो बना होगा, और इस वीडियो के अंदर 45 मिनट का आई थिंक वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हमने सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है। सबसे पहले क्या है, रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन हमने पूरा पढ़ा था, पूरा रिलेटेड पार्टी है कौन, पूरा का पूरा 276 के हिसाब से जो रिलेटेड पार्टी था वो रिलेटेड पार्टी कौन होता है ये हमने डिस्कस किया था। कब मटेरियल मानेंगे भैया, मटेरियल मानेंगे जब 10% ऑफ कंसोलिडेटेड वर्ड भूलने से मना किया था हमने, याद आ रहा है कुछ आपको, एनुअल कंसोलिडेटेड वर्ड खा जाते हो तो आपका मार्क्स खा जाएगा, ठीक है, कंसोलिडेटेड वर्ड आप खाओगे वो आपका पूरा मार्क्स खाएगा। ओके, अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमेटी, ऑडिट कमेटी का अप्रूवल लेंगे। अब दो टाइप का अप्रूवल यहाँ पे पड़े थे हम, एक नॉर्मल अप्रूवल, एक होता है ऑमनीबस अप्रूवल। ऑमनीबस में हम लोग पूरा साल के लिए एक बार में अप्रूवल ले लेते थे, और इस वाले में कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल अप्रूवल था, मतलब एक कमिट एक के लिए ही। और वो अप्रूवल देने से पहले सोचेगा क्या क्या, देखेगा क्या क्या, उसके बारे में भी यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है 5 मार्क्स के लिए, कि भैया ये कंपनी के बेनिफिट के लिए कि नहीं, हमारे पॉलिसी के हिसाब से है कि नहीं, के लिए है कि नहीं, कितना पीरियड का ट्रांजेक्शन है, कितना अमाउंट का ट्रांजेक्शन है, किस नेचर का ट्रांजेक्शन है, क्या ये बेटर है, ये सब कुछ वो चेक करेंगे, ठीक है। क्वार्टरली बेसिस पे उसको रिव्यू भी करते रहेंगे कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक है, ठीक नहीं है। शेयर होल्डर का अप्रूवल, सिर्फ ऑडिट कमेटी के अप्रूवल से काम नहीं पड़ेगा। सबसे पहले बोर्ड मीटिंग में अप्रूवल लिया होगा आपने, फिर ऑडिट कमेटी का अप्रूवल लिया होगा, फिर शेयर होल्डर मीटिंग में अप्रूवल लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक फॉर्म आता है, उसके अंदर एक आप सारा डेटा को रिकॉर्ड करके रखेंगे कितना हमने ट्रांजेक्शन किया है, ठीक है। क्या क्या यहाँ पे भाई, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेंगे, एक EGM बुला लेंगे वहाँ पे हम लोग इसको अप्रूवल ले लेंगे। एक्सेप्शन भी था यहाँ पे, अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो आपको शेयर होल्डर मीटिंग का अप्रूवल का जरूरत नहीं था, एंड ना ही आपको होल्डिंग और होल्ली ऑन सब्सिडरी वर्ड था। कौन सा वर्ड था, होल्ली ऑन सब्सिडरी, सिर्फ सब्सिडरी नहीं बोला है, होल्ली ऑन सब्सिडरी जिनका कंसोलिडेट हो रहा है, पूरा बोलना होगा, आधा बोलने पे आधा मार्क्स भी नहीं देगा वो, होल्ली ऑन सब्सिडरी और जिनका अकाउंट्स कंसोलिडेट होता हो होल्डिंग कंपनी के साथ, ठीक है, होल्ली ऑन सब्सिडरी जिसका अकाउंट कंसोलिडेट होता हो हमारे साथ, ये दोनों वर्ड बोलेंगे तभी आपको पूरा मार्क्स देगा, वरना वो आपको आधा भी नहीं देने वाला है। क्योंकि सेबी ऐसा पोर्शन आता है ना कि अगर आप जो टेक्निकल पॉइंट को आधा बोलते हो तो वो आधा मार्क्स नहीं मिलेगा आपको, पूरा कट जाता है। ओके,
अब आते हैं, अगर आपका डिवेंचर वगैरह या फिर नॉन कन्वर्टेबल इनमें प्रिफरेंशियल वगैरह अगर है तो आपको क्या करना, क्या 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 इंटीमेट करना होगा, स्टॉक एक्सचेंज को क्या क्या बताना होगा। सबसे पहले आप स्टॉक एक्सचेंज के बताओगे भैया कि देखो हमारी कौन कौन सी इंटीमेट करोगे, जो भी जब भी आपका ड्यू डेट वगैरह आता है तो इंटीमेट करेंगे बोर्ड को। अब यहाँ पे बहुत सारा चीज़ हम लोग पढ़े थे, ये सारा का पूरा पोर्शन बताना संभव नहीं है, लेकिन आप एक बार देखते हुए चलो। हाफ ईयरली बताएंगे, एनुअल फिनेंशियल रिजल्ट तो देते ही हैं हम लोग, ठीक है। डिस्क्लोज करेंगे कि हमारा एसेट जो था वो सारा सिक्योर था, रेटिंग में अगर कोई चेंजेस आ रहा है या फिर रेटिंग हम लोग हमेशा एक थ्रू लेके बताएंगे कि हमारा ये रेटिंग है। एनुअल रिपोर्ट वगैरह हम देंगे, एनुअल रिपोर्ट में सारा डिटेल हम लोग यहाँ पे भर देंगे। ओके सर, चलिए। पॉलिसी कौन कौन सी मैंडेटरी होती है, पॉलिसी के अंदर हमने यहाँ पे देखा था कि प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको प्रिजर्व करना है। पॉलिसी फॉर डिटरमाइनिंग मटेरियल सब्सिडी, पॉलिसी ऑन डिटरमाइनिंग मटेरियल सब्सिडी, मतलब कैसे आप मटेरियल सब्सिडी को डिटरमाइन करोगे। रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में आपको बताना होगा। विजिल मैकेनिज्म तो हर जगह चिपकेगा ही चिपकेगा, ठीक है। आप ऑमनीबस अप्रूवल देने से पहले क्या क्या देखते हो, कौन कौन सी क्राइटेरिया देखते हो, इसकी पॉलिसी होनी चाहिए। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी होना चाहिए आपके पास, डिविडेंड देने के लिए क्या क्या पॉलिसी, ठीक है। ओके, आता है लास्ट लाइबिलिटी क्या क्या बनेगा। लाइबिलिटी हम लोग को पता है, फाइन लग सकता है आपका, ट्रेडिंग सस्पेंड हो सकता है, प्रमोटर लोगों को बोल सकते हैं कि आप लोग कंपनी नहीं छोड़ सकते हो भैया एकदम, ठीक है, और कोई भी लिमिट जो भी वो मन करे उसको। सीएस का जिम्मेदारी क्या बनता है, कंप्लायंस ऑफिसर का जिम्मेदारी क्या बनता है कि वो कोऑर्डिनेट करे, लॉ का कंप्लायंस करता रहे, और देखिए कोई भी ग्रेवराइंसेस वगैरह है तो उसको ठीक ठाक सॉल्व करता रहे, ठीक है। कंप्लायंस का काम बेसिकली वो अच्छे से करता रहे। पीसीएस का जिम्मेदारी क्या बनता है कि पीसीएस का जिम्मेदारी जो शेयर ट्रांसफर एजेंट है वो सब कुछ सर्टिफाई ठीक से करे, ठीक है। सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट MR3 वो सही से दे, एसेट सही में कवर है या नहीं वो बताए अच्छे से, ठीक है। डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई नहीं है ये बात के बारे में बताए, तो यहाँ पे वो ये इस चीज़ से डायरेक्ट 5 मार्क्स या 4 मार्क्स का पूछ सकते हैं, और इससे भी डायरेक्ट वो 5 या 4 मार्क्स का पूछ सकते हैं, तो आपको ये वाला पोर्शन छोड़ के नहीं जाना होगा। बस एक बार देखा होना चाहिए, आप लिख लोगे, इतना भरोसा हमको आपसे। ओके, अब इसके अंदर हमने कुछ केस स्टडी भी देखा था, केस स्टडी कैसे छोड़ सकते हैं। केस स्टडी में देखा था यहाँ पे ये वुमन डायरेक्टर लेट से अपॉइंट किया तो इसके ऊपर क्या हुआ, फाइन लग गया, और वो फाइन कितना का था, 1,000 रुपये का फाइन लग गया, और वो फाइन वैलिड था कि भाई तुम लेट से अपॉइंट क्यों किए, ठीक है। फिर आया था मिस माया वाला केस स्टडी, यहाँ पे हमने देखा था कि माया क्या की है, बोर्ड में 24% मेजॉरिटी स्टेक होल्ड करके रखी थी, बाद में वो कंपनी छोड़ देती है किसी कारण की वजह से, और उसका स्टेक रहता है, बट एक डायरेक्टर क्या करता है, रिलेटेड पार्टी का काम करता है, तो बोला था कि आप क्या उसको कैसे बताओगे, क्या सॉल्यूशन दोगे, तो वो वही सॉल्यूशन देंगे कि भैया देखो पावर ऑफ बोर्ड, यहाँ पे हम लोग पूरा चीज़ बताएंगे कि बोर्ड का पावर क्या होता है, बोर्ड को कैसे काम करना चाहिए, सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। सब आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कैसे लिखना है ये वाला भी बात हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था कि इस ऐसा कोई क्वेश्चन आता है अगर 8 मार्क्स के लिए तो आप उसको लिखोगे कैसे, ये बात भी हमने उस वीडियो के अंदर डिस्कशन किया था। ओके, ये वाला केस स्टडी में था सेपरेशन ऑफ रोल ऑफ सीईओ, रोल एमडी और सीईओ का रोल सेपरेट कैसे होता है। देखो एमडी क्या करता है ना, कंपनी के लॉन्ग टर्म के बारे में सोचता है, जबकि सीईओ कंपनी के शॉर्ट टर्म के बारे में सोचता है। एमडी कंपनी के भविष्य के बारे में सोचता है, लेकिन सीईओ भविष्य के बारे में नहीं, वो प्रेजेंट के बारे में सोचता है, प्रैक्टिकली काम करता है, एकदम प्रेजेंट अभी का काम सोचो। एमडी स्टेक होल्डर के बारे में भी सोचेगा, लेकिन सीईओ सिर्फ शेयर होल्डर के बारे में सोचेगा। एमडी का काम कंपनी का प्रॉफिट के ऊपर नहीं ध्यान देना है, उस कंपनी का जो गुडविल है उसके ऊपर ध्यान देना है, लेकिन सीईओ सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉफिट जनरेट कर सकें। एमडी कंपनी का सस्टेनेबल ग्रोथ के बारे में सोचेगा, और सीईओ सस्टेनेबल ग्रोथ के बारे में सोचेगा, सीईओ सोचता है कि भाई बस ग्रोथ कराओ, जितना फास्ट ग्रोथ हो सके, ठीक है। तो ये दो, इसलिए दोनों को अलग अलग करने का ये है कि भाई देखो एमडी और सीईओ दोनों अलग अलग होंगे तो ही अलग अलग सोच पाएंगे। एक ही इंसान दोनों पोस्ट पे होगा तो वो एक ही या तो प्रॉफिट के बारे में सोचेगा या तो ग्रोथ के बारे में सोचेगा, कोई एक चीज़ के बारे में सोचेगा, इसलिए दोनों को अलग अलग किया जाता है। ओके, एंड इसी के साथ साथ हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश हो जाता है, और ये हमारा कुछ क्वेश्चन आता है यहाँ से। सेबी लोडर का एप्लीकेबिलिटी किसके ऊपर है, देख लो पूरा का पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। ऑब्लिगेशन क्या, देखो क्या क्या ऑब्लिगेशन यहाँ पे हम लोग पढ़े थे। स्टेट विच ऑमनीबस अप्रूवल के लिए क्या क्या चाहिए, देखो अब ऑमनीबस अप्रूवल आ गया। कंडीशन विच ऑमनीबस अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमिटी इज रिक्वायर्ड अंडर सेबी एलओडीआर। अब देखो ऑमनीबस अप्रूवल कब कब चाहिए होता है ये आपसे यहाँ से आपसे डायरेक्ट पूछा। एक तो हमारा हमको पता है, एक जब भी आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन करने जा रहे हो, दूसरा कब होगा जब एक ही हमारा एमडी कहीं और एमडी बनना चाहता है तो हमको ऑमनीबस अप्रूवल लेना पड़ता है। ओके, इवेंट वाइज कंप्लायंस, देखो इवेंट वाइज, अब इवेंट वाइज कंप्लायंस में आपको सारा इवेंट याद नहीं रहेगा, सारा इवेंट याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर 5 मार्क्स का है तो कम से कम 5 इवेंट तो लिखोगे ना। अगर 8 मार्क्स का है तो 8 इवेंट लिखना होगा, 4 मार्क्स के लिए तो कम से कम 5 तो इवेंट लिखना होगा, मतलब 5 इवेंट आपके दिमाग में होना चाहिए एट एनी कंडीशन। 5 इवेंट आपको हमेशा पता होना चाहिए, ओके, एग्जाम में बैठने से पहले।
कौन कौन सी कमेटियाँ हैं वो चारों कमेटियों का नाम लिख सकते हैं, उस चारों कमेटी का क्या नाम है, कौन कौन चेयरपर्सन होगा वो लिखना होगा, कितनी बार उनको मीटिंग करना है ये लिखना होगा, एंड मीटिंग के बाद उसके कंपोजिशन के बारे में अगर थोड़ा बता दो तो चलेगा, इतना बताने के बाद आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। पॉलिसी के बारे में कुछ कुछ पॉलिसीज़ थी, अब यार देखो बहुत सारी पॉलिसी हमने यहाँ पे देखी थी, और सारी पॉलिसी नहीं लिख सकते हो, लेकिन कम से कम 5 पॉलिसी तो लिख सकते हो ना, 5 पॉलिसी इज़ सफिशेंट, 5 से 7 पॉलिसी भी लिखना चलेगा काम, लेकिन आपको वो याद रहना चाहिए वो पॉलिसी कौन सी थी, सिर्फ पॉलिसी का नाम और उसके अंदर थोड़ा पॉइंट लिखना होता है कि क्या क्या पॉलिसी है वो, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये पूरा का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद एक वीडियो हम बनाने वाले हैं, अभी जस्ट एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर एकदम फास्ट ट्रैक रिवीजन करेंगे हम, जिसके अंदर हम सिर्फ हेडिंग को बताते जाएंगे और आपका पूरा का पूरा बुक कंप्लीट हो जाएगा। इस रिवीजन के अंदर तो हम थोड़ा सा डिटेल बताएं कि थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल घुस गए कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लगेगा होगा, लेकिन इसके बाद वाला जो रिवीजन बनने वाला है वो आई थिंक 5 से 7 मिनट का रिवीजन होगा, पूरा का पूरा चैप्टर एक रिवीजन में हम फटाक से कवर कर देंगे। आप वो रिवीजन देख के पूरा का पूरा टॉपिक को फटाक से दिमाग में ला पाओगे कि हाँ ऐसा कुछ पढ़ा था, ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ दिमाग में आ रहा है, वो सारा कुछ आपके दिमाग में फटाफट आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद एक फास्ट ट्रैक रिवीजन होने वाला है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना अगर समझ में आ गया हो तो, चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लो, कोई भी डाउट हो तो आप वैसे तो कमेंट कर सकते हो, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है हर जगह पे, तो आप मेरे को व्हाट्सएप डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसका। कॉल करना प्रेफर नहीं करता क्योंकि कॉल उठाऊंगा नहीं उठाऊंगा, कब फ्री रहेंगे नहीं रहेंगे, बट आप व्हाट्सएप जब भी करो हम रिप्लाई दे देते हैं, ठीक है, और ज़्यादा टाइम नहीं लेता, फास्ट रिप्लाई करते हैं, डोंट वरी। सो ओके, चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।